सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो? एकदम बढ़िया हो गए? मैं भी हूँ एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम मजा में। ठंडी आ रही है एकदम, ऐसा मतलब ठंडी ठंडी वाइब, ऐसे नाक में ठंडक सा लगता है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। एज यू नो मेरे को ठंड बहुत पसंद है, गर्मी से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी एकदम अच्छी चिड़चिड़ा रहता हूँ मैं। थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट मेरे को चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि कोल्ड इज कूल, शांत ठंडा। और ठंड में गाजर का हलवा होता है, बहुत कुछ चीज़ होती है खाने की, साग होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़। आप चिकन साग बना सकते हो, मटन साग बना सकते हो। और ठंड इकलौता ऐसा सीज़न है इसमें आप कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी खा सकते हो। अब गर्मी में 12 बजे आपका 1 बजे दिन में मन करेगा मोमोज खाने का, नहीं। लेकिन सर्दियों में आप सुबह 8 बजे भी खा सकते हो, क्यों? ठंड है। ठंड में गर्मा गर्म कुछ भी खा सकते हो, पकौड़ी वकौड़ी कुछ भी, लेकिन नहीं खाना। स्टे हेल्दी, अच्छा खाना खाना है, ठीक है? सिर्फ गाजर का हलवा चलेगा और कुछ नहीं। गाजर का हलवा ढेर सारा बनवाएंगे आपकी और मम्मी से। 15-20 किलो गाजर लेके आएंगे और सबका गाजर का हलवाई की आरी बनवा के फ्रिज में रख देंगे, गर्म कर करके खाएंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करी है हमने एडिटिंग। एक मिनट, यस एडिटिंग। सामने राहुल यादव, यहाँ राहुल यादव, यहाँ भी राहुल यादव। ये देखो, ये होता है, नहीं तो बच्चा होता है वैसे, बट बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। पैंट में हक दो, पैंट में मुँह दो, कोई परवाह नहीं जिंदगी की है। ये बस खाओ पियो सो यहाँ करते रहो, और खांस भी दो थोड़ा सा बस, और करवटे बदलो, अंधेरा कर दो, उठ ना जाए। मिशन सक्सेसफुल। उठ रहा था, मैंने लाइट बंद कर दी, उसको लगेगा ना कि रात है, वापस हो गया। गाइस की शक्ल, इसकी आंखें देखो, ये देखो। ये पता है क्यों? जैसी राघव के वर्कआउट का टाइम होता है, ये या तो इस फर पे सोता है या इस वाले बेड पे सोता है, ठीक है? इसमें फर बहुत अच्छा लगता है। तो राघव यहाँ नीचे डम्बल रख लेता है, ऊपर प्लेट व्लेट रहता है। तो जानबूझ के अगर ये यहाँ भी सो रहा है ना, कल क्या हुआ, ये वहां सो रहा था, सॉरी यहाँ नीचे फर के पास। मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ से हट जा, मतलब टाइसन को, टाइसन यहाँ आके सो जा। वो बंदा वहां से उठा है और यहाँ मेरे बेड पे आके सो गया कि भाई तूने हटाया है तो मैं तेरी जगह पे ही सोऊंगा, ठीक है? अभी कैसे मेरी बातें सुन रहा है, कितने ध्यान से, जानी ना हो शरीर में। हट जा मार दूंगा, हट जा। जानबूझ के जितनी बार एक्सरसाइज करेगा ना, आके यहाँ पे आके लेट जाएगा, हटेगा ही नहीं। बोले अब आया ना, उसको सेपरेट बिस्तर दिया। जब इज्जत से हटाने का, ऐसे लफड़ा करेगा उसके साथ, ठीक है? हाँ भाई साहब, बिस्तर कंफर्टेबल है? आर यू गाइज ऑन द सेम पेज विद मी ऑन दिस? कि ठंड एकदम से बढ़ गई है कल से, और आज मेरे को भी ठंड फील हो रही है, ऐसे हो नहीं रही थी। मैं दिन से एसी चला के सो रहा था, आप कल भी एसी चला के सोया हूँ मैं। इतनी ठंड मेरे को फील हो नहीं रही थी, अगर आपको भी हो रही है, आज मेरे को भी हो रही है। जितना पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे, इसको जगह जगह सोने का ही होता है खाली। चावन राज, फिर से आलू पटाटो की सब्जी। कल इसमें आपने मटर डाल के आलू मटर बना दिया था, परसों इसमें गोभी डाल के आपने आलू गोभी बना दिया था। आज क्या डल रहा है इसके अलावा दूसरा आइटम में? सिर्फ यही रहने वाला है, ये आलू भुजिया बनेगा। ये देखो, मैं दुखी हो गया हूँ। कोई मास्टर शेफ है तो मेरे को गोद ले लो प्लीज प्लीज। देख रहे हो, ये चल रहा है इसका ऑफिस का काम। ये लोग ग्रुप कॉल कर लेंगे और पूरे शिफ्ट में सिर्फ बातें करेंगे, तभी उनका लास्ट में फिर जब तक काम सबमिट करने का टाइम आता है तब झगड़ा करेंगे, तूने कम करा मैंने कम करा। चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, आज दिखा दूंगा आपको 10:30-11 बजे करीब। माँ भूख लग रही है यार। बेटा ऐसा है, नहा धो कर, क्या मेरी आवाज, क्या तारीफ होगी? एक मिनट रुको, क्या मेरी आवाज? तेरी आवाज कुत्ते जैसी है भाई, सोने जैसे बेटा है। कैसे बोल रही है? मैंने नहीं बोला, पब्लिक बोल रही है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। मेरे बेटा तैयार होकर रोड पर चलता है ना, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है छोरी हो। जरूर बातें भी एक तक हजम होती है लोगों को। यार माँ भूख लग रही है, नीम से आगे कुछ खाया भी नहीं। केला खा लिया, डंडा उबाल देती हूं। दुनिया में दो ही लोग तो मेरे को स्मार्ट बोलते हैं, एक मम्मी और एक दुकान पे जिसके पास मैं कपड़े लेने जाता हूँ। कुछ भी पहनो, अरे सर का लग रहा है आप पे, मानो मेरी बात, यही ले लो। इन्हीं दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैं खुश हो जाता हूँ। गहरी नींद में ऐसन ले। आई नो योर जात, भूखे सो जा चुपचाप। अरे क्या भूखे वीरो? 6 मेरे, 6 राघव के। ओके देखो, ऑफिस में अग्गी बग्गी खेल रही है। मम्मी की KFC बताओ। ये जो पेट है ना, 15,000 रुपए दिया है जिम वाले को, पेट को अंदर का। अरे यार कम तो कर लिया, 6-7 किलो वजन कम हो गया है मेरा, कहीं नहीं हुआ, कमजोर हो गया हूँ। देखो हाँ, पेट देखो, वो दिख रहा है रखा हुआ जांग पे। इतना तो है भी नहीं, क्यों ऐसे बोल रहे हो? जांग पे पापा की तरह। अरे मेरा पेट जांग पे रखा रहता है, देख क्या बोल रही है। गाइस आप बताओ, 700। बच्ची कुछ भी निकाल दूं फेफड़ों से। दया बिन मतलब में मम्मी। गाइज मैं अभी ना पता क्या खा रहा हूँ, ये देखो आलू भुजिया। जैसे मेरे को बात याद आई कि प्रशांत है ना स्कूल टाइम में बहुत आलू भुजिया डालता था, पता नहीं कि उसको पसंद था कि क्या, डोंट नो, पसंद ही था वैसा। हाँ बहुत खाता था। मैं क्या करता था कि एक ही बैट में सारा खा जाता था उसका, तो मेरे को बहुत मारा भी है उसने रिगार्डिंग, बट कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, अब जैसे ये आलू है तो ये छोटे छोटे आलू है नहीं मम्मी रोटी में, ये जरूरी होगा नहीं रोटी में घी कि नहीं, मेरा स्टोरी टेलिंग खराब कर देती हूँ। तो ये छोटा छोटा है ठीक है, लाइक सब्सक्राइब मम्मी नहीं बोल, चाकू दियो बहन चाकू। लाइक करे, सब्सक्राइब करे। और आपने कभी माथे पे मुक्का मार के लीड की हड्डी टूटते हुए देखा है? अभी मैं दिखाता हूँ। पापा इसने मुझे घसीट के मारा। तभी आलू का भुजिया छोटा है, फिर भी प्रशांत लेके आता ना इतना बड़ा, मतलब लंबा लंबा रहता है फ्रेंच फ्राइज की तरह। हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, स्नेहा। एक बार आई और क्या कहती है, वाओ तो फ्रेंच फ्राइज लाए। वो सिर्फ उसने ना आलू भुजिया वाला डब्बा खोला था, दूसरे में पूरी होती थी वो डब्बा नहीं खोला था। एंड प्रशांत उसे लगा आलू भुजिया है, फ्रेंच फ्राइज क्या क्या है। तो जितनी बार भी आलू भुजिया देखता हूँ हंसी नहीं आएगी, आती हंसी आती। मैं जितनी बार आलू भुजिया खाता हूँ मुझे बात याद आती है, इसलिए मैंने इंसिडेंट आपके साथ शेयर करा। डेट साइड उसमें कुछ हंसने रोने वाली बात नहीं थी, इंसिडेंट तो शेयर कर रहा था, बातचीत कर रहा था। कुछ अच्छा करो, नाच के दिखाओ। और नहीं देख सकता मैं तेरा ऑर्डर क्यों मान रहा हूँ। धुआं ना भी शाणवंचल राघव शाणिवंचल, इधर ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करने का ठीक है, इधर से निकलेगा तेरे को फिर बताएगा। ऑल द स्टैंड फैन आउट देयर। ले आया था अगले दिन फोन ले आया था। बस वाले उधर जो कहते रहते बस में बैठो दो होता नहीं है, वो पोक करना चालू, बस में बैठो। अपने टाइम से बैठा, अगर छोड़ के जाएगा थोड़ी, जो कुछ काम है काम करके। पापा को कितनी सारी बातें है ना मेरे व्लॉग के थ्रू पता लगता है, घर की बातें, क्योंकि पापा ज्यादा देर तक घर पे रहते नहीं है, है ना। बहुत सी बातें आपको व्लॉग में पता लगती है, अच्छा ये हुआ था है ना। अभी पापा व्लॉग देख रहे हैं मेरा नया वाला, ये भाई साहब फोन छोड़ के आ गए थे स्कूल में, वो बातचीत देखी, पापा को पता लगी, पापा देख रहे मित्र क्यों देखे थे, भूल के आ गया था। अलग ही मतलब मेरे घर का अलग ही सीन है, मतलब तो जो घर के जो बंदे हैं उनको भी व्लॉग से पता चल रहा है कि घर में क्या हुआ था। एक पापा और एक रूबी दी हो गई। राघव दी बात बताए क्या, लाओ फोन दिखाओ, ये देख खोलना इसको, इधर आ राघव, इधर आ, शौक मत होना ठीक है। यहाँ पे इतनी की शो कर रहे हैं, 50,000 कम्प्लीट हो गए, यस फाइनली। यहाँ पे कम शो कर रहे हैं, स्टूडियो में मेरे को पूरे 50,000 समथिंग शो कर रहा है, आई डोंट नो। स्टूडियो को दिखा दूंगा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल के। फाइनली हमारे चैनल पे 50,000 व्यूज क्रॉस हो गए। सही है, मांगता है पार्टी तो मांगता है। ये देखो तुम जैसे को नहीं बताना चाहिए। पापा मेरे चैनल पे 50,000 व्यूज क्रॉस हो गए, बहुत 50,000। बताओ एक व्यू से स्टार्ट किया था, आज 50,000। ना लगे थू कर दे 50 गाइस, 50,000 व्यूज फाइनली क्रॉस। कब से, मतलब मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ठीक है। अब मतलब 40 अराउंड मैंने देखा था, तब मैं सोचा कि यार 50 कब होगा, और आज मैं ऐसी मतलब कल परसों चेक कर रहे थे ना राघव, तो 48 या 49 ऐसी कुछ था। फाइनली आज 50,000 व्यूज क्रॉस हो जाएगा, अभी कुछ ही ऐसा खुशी का माहौल हो रखा है घर में। राधा हाँ। मेरे चैनल पे 50,000 व्यूज क्रॉस हो गए। 50,000 ये कितने होते हैं? 50,000। अरे वो तो ठीक है, मतलब 50K। हाँ 50K किसी एक पर्टिकुलर पे ओवरऑल। चल पागल मांग यहाँ से, उसको बताऊंगा ना वो भी समझ जाएगा। 50K वो भी क्या कह। गाइज थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ठीक है। और आपका रिस्पॉन्स ये जो मेरे को मोटिवेटेड रखता है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका रिस्पॉन्स ही एकमात्र चीज़ है जिससे मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूँ। मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतना जल्दी चीज़ें मिलेंगी, टचवुड। मतलब जो चीज़ सोची थी मैंने कि पहला वीडियो जिसने 1K क्रॉस किया ठीक है, अब चैनल पे 50K व्यूज, मतलब व्यूज सोच ही नहीं सकता भाई, 50K मतलब 50,000 व्यूज, वो भी अराउंड 160 समथिंग व्यूज वीडियोज है हमारे 160। 164 चैलेंज वैलेंज इंक्लूड करके। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थोड़ा ऐसा आज पहली बार मेरे पास ये सिनेरियो हो रहा है कि लाइफ में पास वर्ड्स नहीं है बोलने के। कांग्रेचुलेशंस कि क्या ही बोलूं, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लगा कि 50,000 वो आई 50,000 व्यूज, मतलब ये इमोशनल भी नहीं होने देते हैं गेट उनका। बस एक ही चीज़ कहूँगा, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो और हम आपको और भी बेहतर 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 बेटर 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 बेस्ट होके दिखाएंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बस यही बोलूँगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन, दिल से लव यू ऑल। 50K